अरे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग में, ई पाठशाला में। आज हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो चैप्टर की इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी थी, है ना। कंप्यूटर के बारे में बता दिया था कि कंप्यूटर क्या होता है, देखने में किस तरह का होता है ना। कंप्यूटर के हम मूलभूत सिद्धांतों के बारे में, यानी कि उसके बेसिक्स के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल, आधारभूत सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत के होते हैं कंप्यूटर के, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 आते कहाँ से हैं, बिजली, ठीक है। एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। कंप्यूटर नेगेटिव को 0 मान के चलता है, पॉजिटिव को 1 मान के चलता है, और इन्हीं 0 और 1 को हमारा जो प्रोसेसर होता है ना, ये होता है इस बॉक्स के अंदर लगा होता है, ये इसको शब्दों में और पिक्चरों में बदल देता है, ठीक है, करंट को, ठीक है। और हमने पढ़ा था कंप्यूटर और मोबाइल के कंपैरिजन के बारे में, की पैड माउस दोनों में क्या क्या समानता होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है, फर्स्ट वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट विद इट्स फिजिकल कंपोनेंट्स। कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो डाटा को लेती है इनपुट एज ए इनपुट, इनपुट के तौर पर उसके ऊपर क्रिया करती है, प्रोसेस इट और कन्वर्ट कर देती है उसको अर्थपूर्ण जानकारी में एज आउटपुट, एक आउटपुट के तौर पर, ठीक है। सिंपल से शब्दों में कहें तो डाटा इज इनपुट, ठीक है, और जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आएगी वो क्या होगी, आउटपुट। तो काम कैसे करते हैं ये, अपने विद इट्स फिजिकल कंपोनेंट्स, अपने शारीरिक उपकरणों के साथ, ठीक है। और नीचे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, इनपुट ये जाती है हमारे प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होती है और आउटपुट हमें नजर आती है। अब इसको मैं अगर डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो इस तरह से काम करती है हमारी इनपुट यूनिट, ठीक है। ये हमारे इनपुट में आते हैं कीबोर्ड माउस, इनसे करते हैं हम इनपुट कंप्यूटर के अंदर, जैसे फोन से करते हैं ना, कीपैड से लिखते हैं, तो यहाँ से हम इनपुट करते हैं, जाती है इस बॉक्स के अंदर, सीपीयू लगा होता है इसके अंदर, प्रोसेसर, ठीक है, और जो प्रोसेसर के जो पार्ट्स होते हैं वो काम करते हैं इस चीज को, एक रोम होती है, रैम होती है, और ये होता है एक प्रोसेसर, ये क्या कर देते हैं फिर इस, ये जो हमने इनपुट की होती है इसके अंदर प्रोसेस होके हमें नजर आती है अपनी आउटपुट यूनिट के अंदर, ठीक है। ये हुई इनपुट, ये हुई बीच में प्रोसेस, और ये आ गई हमारे पास इसके अंदर आउटपुट, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो ये है कि ब्लॉक डायग्राम और व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के उपकरण कौन कौन से हैं। कंप्यूटर हैज 3 main components, कंप्यूटर के मुख्यतः 3 उपकरण हैं, 3 पार्ट हैं, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। ये कंप्यूटर के पार्ट्स, 3 पार्ट्स, ठीक है, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, ठीक है। अब ये जो पीछे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट सेम वही है, ये यहाँ से हम इनपुट करेंगे, इसके अंदर प्रोसेस होगी और यहाँ पे हमें दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन ये जो सीपीयू है वो डायरेक्ट ऐसे काम नहीं करता है, इसके भी 3 चीजें होती हैं, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के, एक ALU होती है, एक CPU होता है और एक मेन मेमोरी होती है, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। आप देखो कैसे कैसे ये काम करते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये इनपुट यूनिट है, यहाँ से हम इनपुट करेंगे, इसके अंदर जाएगी सीपीयू, और सीपीयू के अंदर ये चीजें लगी हुई है अंदर 3, ये वाली, ठीक है, जो मैंने अभी दिखाई ना पीछे क्वेश्चन में, ये एक प्रोसेसर और ये मेन मेमोरी, ये लगे होते हैं ना पीछे दिखाए मैंने अभी क्वेश्चन में डायग्राम में, तो ये ही काम करते हैं इस इनपुट को प्रोसेस करने का, और फिर हमें ये इनपुट नजर आती है हमारे आउटपुट यूनिट के अंदर, मॉनिटर के अंदर, आउटपुट यूनिट के अंदर, ठीक है। मॉनिटर भी हो सकता है, गाना होगा तो वो स्पीकर के अंदर सुनाई देगा, ठीक है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होती है, क्या क्या आता है इसके अंदर। इनपुट यूनिट इज ए डिवाइस, इनपुट यूनिट एक उपकरण है, थ्रू विच, जिसके जरिए वी इंसर्ट और फीड डाटा, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं मतलब डालते हैं
और फीड डाटा या डाटा को फीड करते हैं, डाटा को खिलाते हैं इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं। इनपुट यूनिट के जरिए हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गई, लाइट पेन हो गया और स्कैनर हो गया, ये सारी की सारी हमारी इनपुट की यूनिट है, कंप्यूटर के अंदर डाटा भरने वाली यूनिट्स हैं, ठीक है। चलो दूसरे पे आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ से तो हम इनपुट कर देंगे। अब देखो ये कैसे कैसे प्रोसेस होगी अंदर सीपीयू के अंदर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सीपीयू क्या है? सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग है, जैसे हम मानव है ना, हमारे अंदर भी दिमाग है, अंदर सेल के अंदर लगा हुआ ना दिमाग, मस्तिष्क के अंदर क्या है हमारे पास, दिमाग है सोचने के लिए। सेम वैसे ही कंप्यूटर के अंदर हमने डाला हुआ है, दिमाग डाला हुआ है, सीपीयू बोलते हैं उसको हम। दैट परफॉर्म ऑल कंप्यूटर टास्क विद इट्स थ्री मेन पार्ट, जो अपने सारे के सारे काम करता है सोचने वाले अपने तीन पार्ट्स के साथ। इसके अपने तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, तीन भाग हैं। अब देखो क्या क्या पार्ट क्या क्या काम करते हैं इसके, ठीक है। पहले है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, ठीक है। ALU की फुल फॉर्म ये है यहाँ पे, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक को हम हिंदी में बोलते हैं अंकगणित, यानी कि हिसाब का काम जो होता है ना, जो जमा जोड़ करना, मतलब घटाना, भाग करना, गुना करना, ये सारे काम करती है ALU, एक यूनिट होती है इसके अंदर, ठीक है, एक तरह का पुर्जा। इट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये सारे के सारे अंकगणितीय काम करता है, ऑपरेशन करता है, जैसे कि एडिशन हो गई, जमा हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, गुणा हो गया, डिवीजन हो गया, भाग हो गया इत्यादि। एंड लॉजिकल टास्क, और कुछ तर्क वाले काम भी करता है, यानी कि डिसीजन लेने वाले काम भी करता है, जैसे एंड और नॉट, इनके बारे में आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे समझ आ जाएंगे। इसके अलावा ये तो आपको पता ही है, जमा घटाना भाग करना गुणा करना, ये तो आपको पता ही है, मोबाइल के साथ भी करते होंगे ये काम, है ना, उसमें ये चीज़ करती है काम इसका ALU। चलिए अब दूसरा पॉइंट है इसका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण करने वाली जो इकाई है इसकी, नियंत्रण इकाई। कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंट्रोल यूनिट जो होती है वो कंप्यूटर का हार्ट होती है, हम इंसानों की तरह सेम वैसे ही है ना, हम हार्ट का काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वहां तक ब्लड पहुंचाने का काम है ना। अब देखो इसका भी सेम वही काम है, कंट्रोलिंग का काम। कंट्रोलिंग यूनिट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के हार्ट के नाम से जाना जाता है कंट्रोल यूनिट को। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये क्या करती है, नियंत्रित करती है और कोऑर्डिनेट्स करती है और समन्वय बिठाती है जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट लगे होते हैं कंप्यूटर में, जितने भी पुर्जे लगे होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड, माउस लगा होता है, प्रिंटर लगा होता है, उसके अंदर जो भी पुर्जे लगे होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है हमारी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम एक हार्ट का काम, जैसे मानव शरीर के अंदर हार्ट करता है ना, ब्लड पहुंचाने का काम, यानी कि ब्लड पहुंचेगा तो अभी सारे का सारे कंपोनेंट जो दिमाग से कंट्रोल होंगे, है ना, इस दिमाग से यानी कि ALU से तभी कंट्रोल होंगे अगर ये इसके नियंत्रण में होंगे, ठीक है। ALU तभी सोचेगा, उसके हिसाब से ये काम करेंगे, ठीक है, लेकिन उनको नियंत्रित करने का काम ये यूनिट करती है, ठीक है। थर्ड पे आ गया मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी, मेमोरी यानी कि याददाश्त, जैसे हम इंसानों में होते हैं ना, चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, याद करते हैं ना, और याद करके अपने दिमाग के अंदर रख लेते हैं, है ना। तो मेन मेमोरी हैज़ टू टाइप, मेन मेमोरी दो तरह की होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और तीसरी रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है और रीड ओनली मेमोरी क्या करती है, चलिए देखते हैं, ठीक है। ये आगे है चैप्टर में, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आगे है चैप्टर में, लेकिन ये मेन मेमोरी आपने याद रखना कि रैम और रोम होती है, आगे डिटेल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब तीसरे पे आती है हमारी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इज ए डिवाइस, आउटपुट यूनिट भी एक उपकरण है, दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड इनपुट, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जो रिजल्ट होते हैं, जो भी इनपुट प्रोसेस होती है उसके। आउटपुट यूनिट क्या होती है, अब देखो इनपुट करेंगे ना कीबोर्ड से, वो जाएगी सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर ये सारा उसको प्रोसेस करेंगे तीनों, और दिखाई कहाँ पे देगी, आउटपुट यूनिट के अंदर। तो आउटपुट यूनिट एक उपकरण है जो प्रोड्यूस करता है हमें, प्रोड्यूस करना मतलब एक तरह से उत्पादन करना उसको बोलते हैं, प्रोड्यूस करना मतलब रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है, और प्रोसेस्ड इनपुट जो भी इनपुट्स के अंदर प्रोसेस होगी उसको प्रोसेस करेगा और दिखाएगा हमें, ठीक है।
अब इसमें वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जैसे कि वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एलसीडी मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, ये सारे के सारे आउटपुट यूनिट है जो हमें इन चीजों को दिखाने का काम करते हैं जो हम यहाँ से डालते हैं इनपुट यूनिट। ठीक है, तो आज के लिए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ही काफी थे। कल हम नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।